नमस्कार मित्रों, आज हम आपके पास एक नई शख्सियत को लेकर के आए हैं जिनका नाम है वेद प्रकाश शर्मा और आप फरीदाबाद से हैं और मौलिक भारत के NCR के कोषाध्यक्ष हैं और आप विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। युवाओं के लिए आपने बहुत कुछ किया है, युवाओं के विभिन्न विषयों को ये समाज स्तर पर उठाते हैं और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के साथ युवाओं के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको पूरी शिद्दत के साथ उठाते हैं। इसके अलावा राजनीति के ऊपर भी आपके अपने विचार हैं कुछ, तो आपको हम इनसे मिलवाएं लाए हैं और अब जानेंगे कि ये इसके अपने बारे में और राजनीति के बारे में और सामाजिक मुद्दों के बारे में आज हम वेद प्रकाश शर्मा जी से बात करने के लिए आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार वेद प्रकाश जी। चलिए, जैसे आपने कहा कि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, इसके अलावा सामाजिक विश्लेषण भी करते रहते हैं, तो मौलिक भारत सेट करके मैं आपसे सवाल करूं कि वर्तमान जो कोरोना काल के कारण जो हमारा 1.5 साल से जो राजनीति परिदृश्य भी बिगड़ा हुआ है और सामाजिक परिदृश्य भी बिगड़ा हुआ है जी। तो उस विषय में अभी जो मोदी जी ने अभी नई अपनी गवर्नमेंट भी अपने मिनिस्टर भी नए बनाए हैं, तो दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हुए आप वर्तमान परिदृश्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इस देश में 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सरकार आई तो एक पूर्ण बहुमत की ऐसी सरकार आई जो कि 30 साल के बाद एक ऐतिहासिक राजनीतिक आमूल परिवर्तन के रूप से देख सकते हैं। और उस सरकार का आने का एकमात्र कारण था कि जो देश था वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और अव्यवस्था और अनियमितता की भेंट चढ़ा हुआ था और देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस थी। आप चाहे कितनी बड़ी PR एजेंसीज के माध्यम से जो है ब्राउनी पॉइंट के लिए आप बड़े बड़े आर्टिकल लिखवाएं, चाहे बड़े बड़े आप जो है सेमिनार्स करें, ये कह के कि देश का जो नेतृत्व है एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के हाथ में था, परंतु इतना कहते हुए भी जब आपका देश बुरी तरीके से ब्लीड करता है तो इन सभी चीजों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि देश सामान्य मानविकी की जेब में यदि आप जो है करेंसी का फ्लोट बनाए रखेंगे तब जो है हमारा देश चलेगा, क्योंकि हमने हमारे देश को उस परिस्थिति में भी देखा है जब पूरे विश्व के अंदर जो है एक ऐसी हलचल हो गई थी कि पूरे विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई थी, परंतु एक कैश रिच इकॉनमी होने की वजह से हम लोगों को उतना असर नहीं पड़ा जितना अमेरिका जैसी यूरोप जैसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डूब गई थी। तो लोगों की एक महत्वाकांक्षाएं थी, इसीलिए लोगों ने जो है एक स्पष्ट जनादेश दिया और इसलिए दिया कि देश के अंदर एक आमूल परिवर्तन हो और देश के नेतृत्व करने वाले लोगों को ये बहाना ना मिले कि जी ये एक जो है गठबंधन की सरकार है, इसमें उसको भी खुश करना है इसको भी खुश करना है। तो एक 30 साल के बाद एक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जो है देश के अंदर सरकार मिली और उन 5 सालों में देश के नेतृत्व में जो है एक अपनी महत्वाकांक्षा दिखाई कि हाँ हम परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं और हमारी नीति भी साफ है और नियत भी साफ है, क्योंकि बड़े बड़े फैसले लिए गए डीमोनेटाइजेशन से लेकर तमाम, तो इससे जो है लोगों के मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि हाँ एक ईमानदार सरकार है और ये जो है कर्तव्यनिष्ठ सरकार है। इसीलिए 2019 में उससे भी अधिक बहुमत के साथ इस सरकार को जो है देश की जनता चुन के लाई। परंतु अब ये जो कोविड एक ऐसी महामारी है इसने पूरे विश्व को जो है चपेट में ले लिया है और हम तो विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है या जनसंख्या के माध्यम के अगर दृष्टिकोण से देखें तो हम इतना बड़ा देश हैं जहां पर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट नहीं है, हमारे देश में जो है जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है बहुत सारी चीज जो है अनऑर्गेनाइज है, तो इन सब चीजों को जब तक हम ठीक कर पाते तब तक जो उसकी जो हमें मार पड़ी है मुझे लगता है कि उसको ठीक करने के लिए हमें एक वॉर जो है फुटिंग लेवल पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और जो 1.5 साल में जो इस पूरे के पूरे कोरोना महामारी ने हमको कहीं ना कहीं 10 साल पीछे धकेलने का काम किया है, इसके लिए हमें मुझे लगता है देश की सरकारों को जो है एक मिनट भी आराम करने का जो है वक्त नहीं मिलने वाला है। तो जो देश की सरकार ने अभी जो है नई कैबिनेट का विस्तार किया है तो और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मंत्रियों को लाया गया है जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और उन लोगों को जो है उन्हीं की एक्सपर्टीज के मंत्रालय दिए जा रहे हैं। आपने देखा कि कैसे 13 लॉयर्स हैं, 5 डॉक्टर्स हैं, 6 इंजीनियर्स हैं और जो है 8-9 IAS ऑफिसर्स हैं।
तो जो लोग सिस्टम के अंदर से निकल कर आते हैं तो मुझे लगता है उनको विषयों की अधिक जानकारी होती है। तो देश की जनता सवाल अब ये करेगी कि जब लालू प्रसाद यादव जैसा व्यक्ति रेल मंत्री बनकर जो है रेलवे को प्रॉफिटेबिलिटी में ला सकता है, तो अब जो जिस प्रकार के लोग आए उनसे जो है अपेक्षाएं निश्चित रूप से बढ़ी हैं, और इस सरकार को अब जो है वॉर फुटिंग लेवल पर काम करके देश की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होगा। अच्छा, जैसा कि अभी बंगाल के चुनाव हुए थे, आपको मालूम ही है, और बंगाल में बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था उसको निकालने के लिए, तो जो वहाँ राष्ट्रवाद भी मुद्दा आ जाता है और किसी भी कारण से वो वहाँ पर अब राष्ट्रवाद और बनाम अल्पसंख्यक बात कहें या वहाँ तुष्टिकरण की नीति कहें ममता जी की, कि उस कारण से बंगाल को बीजेपी नहीं जीत पाई, और अब 6 महीने बाद यूपी में चुनाव आ रहे हैं, और उसको देखते हुए यूपी के अंदर भी अभी से ही जो है कोटी मतलब शतरंज की मोहरें विपक्ष ने बिछानी चालू कर दी हैं, तो यूपी के चुनाव के परिदृश्य में क्या लगता है आपको कि राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहेगा या अल्पसंख्यक का तुष्टिकरण हावी रहेगा, और यूपी के चुनाव को बीजेपी किस प्रकार से जो है फाइट कर पाएगी? देखिए, यदि हम राजनीतिक चश्मे से अगर उत्तर प्रदेश और बंगाल का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो बंगाल की राजनीति पूरे देश की राजनीति से अलग चलती है, क्योंकि बंगाल के अंदर जो एक समुदाय है जो वहाँ का नेटिव बंगाली है, जिसको आप भद्र लोग कहकर जो है आप उनको एड्रेस करते हैं, वो जो है अपने आप को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है समाज में संभ्रांत कह लीजिए या अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट मानता है, तो उसके लिए राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग थी, क्योंकि जो बंगाल में राजनीति हो रही है, क्योंकि बंगाल की राजनीति को दो अलग परिदृश्य में देखना यूं भी जरूरी है, क्योंकि बंगाल के अंदर 44 सीटों वाली कांग्रेस ने जो है अपने को शून्य पर ला के खड़ा कर दिया, और 32 सीटों वाली कम्युनिस्ट ने अपने को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया, तो इससे एक मैसेज तो बहुत क्लियर गया है देश के अंदर कि कांग्रेस भाजपा को रोकने के लिए जो है अपने को शहीद या अपने को विधवा करने में जो है कोई कोताही नहीं बरतेगी और हमेशा करेगी। परंतु ये तो हो गया एक परिदृश्य राजनीति का बंगाल की, परंतु तो दूसरा परिदृश्य है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कैडर नहीं है जिस प्रकार का कैडर उत्तर प्रदेश या किसी अन्य उत्तर भारतीय राज्य में है, क्योंकि आप जब तक माइक्रो लेवल पर जाके राजनीति में लोगों को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते। मैं भी बंगाल के चुनाव में रहा और मैंने वहां देखा कि तमाम बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ में जो है पर्ची बांटने का कार्यकर्ता नहीं था, जो उन्होंने बूथ के जो लेवल बूथ लेवल के अध्यक्ष बना रखे थे या जो शक्ति पीठों के प्रमुख बना रखे थे या पन्ना प्रमुख बना रखे थे वो सिर्फ कागजों तक सीमित थे और वो ऑन ग्राउंड नहीं थे। वहां पर जो एक टीएमसी का खौफ था वो लोगों के मन में वहां था, और टीएमसी का खौफ बरकरार यूं भी था क्योंकि टीएमसी को कांग्रेस और वाम फ्रंट का जो है एक मूक समर्थन जिसे कहें या बैकडोर सपोर्ट मिला हुआ था। तो जो बीजेपी का जो प्रचार जो है एक तरह से जिसे कहते हैं ना पीआर एजेंसीज का प्रचार या मीडिया का प्रचार, तो वो इतना एक हाइप क्रिएट हो गया, परंतु जो माइक्रो लेवल पर जाकर जो काम करना चाहिए था कहीं ना कहीं संगठन उस पर फेल हुआ। हाँ, लोकसभा चुनाव और विधानसभा की चुनौतियां बिल्कुल अलग होती हैं। लोकसभा चुनाव में बेशक 18 सांसद जीते, पर मैं इसको फिर भी एक पॉजिटिव नजरिए से देखता हूं कि 3 विधायकों वाली पार्टी आज जो है 75 पर पहुंची है, परंतु उत्तर प्रदेश के अंदर परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अलग यूं हैं क्योंकि देश की राजनीति का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश की गलियों से होकर गुजरता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर हर गली कूचे चौबारे पर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो बहुत मजबूत है। उसका उदाहरण हमने अभी जो है पंचायत चुनावों में देखा, अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं और उत्तर प्रदेश चूंकि एक हिंदी भाषी राज्य होने की वजह से देश के प्रधानमंत्री वहां से आते हैं, और अभी आपने देखा कि कैबिनेट के अंदर लगभग 20% प्रतिनिधित्व जो है उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। तमाम जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि आप हम चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर लें या कितनी मर्जी चर्चा कर लें कि देश की राजनीति में जो है जातवाद नहीं होना चाहिए, परंतु हमारे देश के ये बड़े राज्य, चाहे आप बिहार ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे हरियाणा ले लीजिए,
आप इन राज्य की राजनीति को जातवाद से अलग नहीं कर सकते। आपको वहां पर जो है लोध समाज को करना पड़ेगा, आपको कुर्मी समाज को करना पड़ेगा, आपको जाटव को करना पड़ेगा, आपको वहां पर निषादों को देखना पड़ेगा। अभी देखिए निषाद समाज के लोगों को जो है कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो जो है निषाद के नेता नाराज हो गए हैं। तो ये एक बड़ा एक समीकरण साधने की बात है कि आप किसको खुश करेंगे और किसको नाराज करेंगे। जातिवादी राजनीति तो खाली उत्तर भारत ही नहीं, पूरे देश के अंदर ही लागू है, क्योंकि अगर उत्तर भारत में कुर्मी निषाद हैं तो तमिलनाडु साइड में आप जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ लिंगायत है और वहाँ अदर जो है जातियां हैं, तो ये तो सभी जगह है इस देश के अंदर। परंतु आज के परिदृश्य में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और जो बंगाल की राजनीति है वो बिल्कुल अलग है। हाँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप 2014 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए, वहां पर जो है 72 सीटें जो है अप्रत्याशित रूप से जीत के आई, फिर उसके बाद जो है 2017 का चुनाव हुआ तो 325 सीटें, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी शायद इमेजिन नहीं किया होगा कि उनकी एंटिसिपेशन जो है 225 या 80 के आसपास थी, और इस प्रकार का बंपर बहुमत मिलना, मतलब जिसको कहते हैं पोल पोलराइजेशन। तो उसके बाद जिस प्रकार से राजनीति की गंगा में जितना पानी बहा है, किस प्रकार से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एक वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो है अपने जो मैनिफेस्टो के वादे हैं उनको कितनी तेजी से जो है पूरा करने का काम किया है, चाहे वो राम मंदिर का आंदोलन हो, चाहे वो धारा 370, वो तमाम चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं और वो कहीं ना कहीं आपको इस बार के चुनाव में दिखाएं। जैसा कि अभी आपने अपनी बातों में जिक्र किया कि कांग्रेस तो खुद को मिटा के भी जो है बीजेपी को हराना चाहती है, और ये हम सब देख ही रहे हैं कि कांग्रेस हारने के बाद भी बहुत खुश होती है अगर बीजेपी हार जाती है तो आज के परिदृश्य में जो कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस में से बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं, तो उस स्थिति में आने वाले समय में राहुल गांधी का आप क्या भविष्य देख रहे हैं, ये आपसे सवाल है। देखिए राहुल गांधी का भविष्य तो मुझे लगता है वैसे उनका भविष्य बहुत ही चार्मिंग है, क्योंकि उनके पीछे साथ में मैं कांग्रेस का भविष्य भी जोड़ना चाहूंगा। देखिए कांग्रेस का भविष्य तब तक गर्त में है जब तक नेतृत्व जो है एक परिवार के हाथ में है, क्योंकि आज कांग्रेस के अंदर जितने भी नेता थे या जिनको आप ब्राइट स्टार्स बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आज जो है पार्टी को छोड़कर जो है वो अपना एक राजनीतिक सर्वाइवल या अपना राजनीतिक भविष्य बनाने में लग गए हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जितिन प्रसाद को देख लीजिए, और तमाम वो चेहरे हैं जो पिछले 4-5 सालों में कहीं ना कहीं पार्टी को अलविदा कहकर जो है उन्होंने अपना जो है राजनीतिक राह, उन्होंने अपनी जो है नई चुन ली है। अब रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी और इनका जो परिवार है, देखिए इन लोगों के नाम के पीछे जो गांधी लगा है ना, यही इनके सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि इस देश में आप सोचिए जो गांधी परिवार का गढ़ रहा हो जो है अमेठी, जब जो व्यक्ति अमेठी को छोड़ सकता है और दशकों तक वहां पर इनके परिवार के सांसद, इनके परिवार से प्रधानमंत्री होने के बावजूद यदि आप अपना कैमरा लेकर अगर अमेठी की गलियों में पहुंचे तो आपको दिखेगा कि अमेठी शायद देश में कितना पिछड़ा हुआ है। और वहां पर जो है जब स्मृति ईरानी, चाहे वो हार भी गई, उसके बाद भी उन्होंने जो है अपनी जिम्मेवारी जो है एक नहीं छोड़ी, और वो जो है तमाम 5 साल के ड्यूरेशन में वो वहां गई, वहां के लोगों के साथ जो है माइक्रो लेवल की उन्होंने राजनीति की, लोगों को एंगेज किया, और आज की डेट में आलम ये है, ब्लॉक तो छोड़िए, वहां पर मतलब बेसिक लेवल पर भी आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो जहां पर पार्टी का कैडर और पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता तो वहां पर लोगों को बोरिया बस्तर उठाकर वायनाड ही जाना पड़ता है। तो देखेंगे आप आने वाले दिनों में, हो सकता है कि रायबरेली से भी जो है माताजी चली जाएं। तो जब तक आप लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक आप लोगों की नब्ज नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप देश की राजनीति का मूल भाव नहीं समझेंगे, तब तक आपको जो है बार बार इस प्रकार से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, आप हमारे स्टूडियो में आए, और धन्यवाद, आपसे ऐसे ही मिलते रहें आगे हम। धन्यवाद। तो आगे आपके विचार जानते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।